तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल अभी एसयू। दोस्तों आज हम आए हैं मीना बाज़ार और जो बुरदुबई में पड़ता है। अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो आप बाय मेट्रो बाय बस आ सकते हैं। बाय मेट्रो सराब डीजे मेट्रो स्टेशन पे आप उतरिए और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है। सो यहां देख सकते हैं दुबई में भी हर एक ब्रांड आपको लाइक ज्वेलरी शॉप आपको दिख रही होगी। जॉय अलुकास है, मालाबार गोल्ड है, एवरी सारे जितने भी जितने भी आपको गोल्ड के मतलब ब्रांड्स हैं इंडिया में यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक ब्रांड लाइक तनिष्क है, डिफरेंट। और हम आए हैं दिवाली से पहले। दोस्तों ये ब्लॉग हमने दिवाली से पहले रिकॉर्ड किया था मीना बाज़ार। सो हम ज़्यादा तो हमारा ये वीडियो बड़ा नहीं है, बट हमने मोस्ट प्रोबेबली हमने छोटी छोटी चीज़ें कवर की हैं जो हमने, जैसे कि हम दिवाली के शॉपिंग के लिए गए थे वहाँ पर। सो देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड तो सारी गोल्ड की शॉप है, उस साइड भी शायद आपको गोल्ड की शॉप ही दिख रही है। और यहाँ पर एक एरिया है मतलब वहाँ पर सारे गोल्ड आपको शॉप मिलेंगे, मतलब हर जगह दुबई में आपको डिफरेंट प्लेसेस पे गोल्ड सूक जाइए वहाँ पर तो आपको गोल्ड का खजाना, मतलब हर एक शॉप में गोल्ड मिलता है डिफरेंट ब्रांड्स के। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स है। सो हमने यहाँ से दोस्तों कुछ शॉपिंग की है और लाइटिंग के लिए लड़ी ली है हमने और दिया लिए हैं और इलेक्ट्रिक दिया भी लिए हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं मतलब बिल्कुल फील होएगा, मतलब आपको इंडिया जैसा फील होता है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग 50% ऑफ पीपल आर लिविंग इन दुबई इंडियन होते हैं वो लोग। सो बहुत मतलब एक फैमिलियर मतलब लगता है कि मतलब आप इंडिया को मिस नहीं करोगे अगर यहाँ पर रहते हो तो। अब मीना बाज़ार में आपको दोस्तों हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, डे टू डे लाइफ की चीज़ें, या फिर आपको क्लोथ चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, फुटवेयर, एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस मार्केट। ओके, सो हम लोग भी बस इधर उधर शॉपिंग भी कर रहे हैं, कुछ हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट टाइम डे टू डे है डे टू डे यहाँ पर हर जगह मिल जाएगा आपको, 1 to 10 भी मिल जाएगा। 1 to 10 का मतलब 1 से लेके 10 दिरहम्स तक। सो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया दोस्तों क्योंकि शाम मतलब रात का टाइम हो चुका था और हमें कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। जल्दी हम लोगों ने जो आपको दिखा सकते हैं हम दिखाते हैं। और मीना बाज़ार का एक इन फ्यूचर में हम दोबारा डे टाइम में या फिर और दोबारा आएंगे तो दोबारा और एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे, बट मेन टाइम यहाँ पर आपको रहने के लिए भी मतलब प्लेस अच्छा है। यहाँ पर सराब डीजे में आप बाय फैमिली भी रह सकते हैं, अगर आप बैचलर्स हैं तो वो भी रह सकते हैं, बट यहाँ रहने के लिए भी एक मतलब अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर रहने के लिए। ठीक है, तो सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों एक लाइट की शॉप है, 2 शॉप्स हैं साथ साथ में देख सकते हैं। सो यहाँ अभी हम जाते हैं और देखते हैं कुछ, अगर यहाँ पर हमें कुछ अच्छा लाइटिंग वगैरह मिल जाता है। ऐसे तो हमने पीछे लिया है पर यहाँ पर भी देख लेते हैं लाइटिंग का क्या है ऑप्शन। सो यहाँ पर भी देख सकते हैं डिफरेंट लाइट्स हैं। और सो दोस्तों हमने अभी अंदर जाकर देखा, हमने एक लाइट भी ली है यहाँ पर और इलेक्ट्रिक दिया सो हम अपने जहाँ पर भी हम डेकोरेट करेंगे घर पे वहाँ पर उसको लगाएंगे। तो दोस्तों देखा अभी आपने जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर शॉपिंग वगैरह हमने करनी थी कर ली है। और अगर आप मीना बाज़ार आना चाहते हैं तो मेट्रो स्टेशन से आप आ सकते हैं, सराब डीजे मेट्रो स्टेशन है, ग्रीन लाइन पे पड़ता है और यूनियन के पास है, बुर्जुमन के पास ही है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग रूम भी लेकर रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आपसे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो बाय मेट्रो भी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।